एक समय एक दस्तूर जी थे। मुंबई के एक पारसी मंदिर में काम करने के लिए वह मुंबई आकर रहने लगे। मुंबई पहुंचने के कुछ हफ्ते बाद उन्हें अपने घर से केंद्र के लिए बस में यात्रा करने का अवसर मिला। बस में बैठने के बाद उन्होंने जाना कि परिचालक ने गलती से उन्हें छुट्टे में 1 रुपया ज़्यादा दे दिया था। वे विचार करने लगे और उन्होंने अपने आप में सोचा, मुझे 1 रुपया वापस कर देना चाहिए, इसे अपने पास रखना गलत होगा। फिर उन्होंने सोचा, अरे छोड़ो, 1 रुपया ही तो है, इतने से पैसे के लिए कौन परेशान होगा। ऐसे भी यह बस कंपनी वाले काफ़ी पैसे कमाते हैं, 1 रुपया कम पड़ने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसे चुपचाप ईश्वर का इनाम मानकर स्वीकार कर लेता हूँ। दस्तूर जी चुप रहे और शहर के नज़ारे का आनंद लेते रहे। जब उनका ठहराव आया तो वह द्वार पर क्षण भर के लिए रुके, फिर कुछ सोचते हुए परिचालक की ओर मुड़े और उसे वह रुपया देते हुए बोले, ये लो, तुमने मुझे ज़्यादा छुट्टा दिया था। परिचालक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप ही शहर के नए दस्तूर जी हैं ना? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, आजकल आपकी काफ़ी प्रशंसा सुनने में आ रही थी, मैं केवल देखना चाहता था कि आप अतिरिक्त छुट्टे से क्या करेंगे। परिचालक के शब्दों ने दस्तूर जी को हिला कर रख दिया। बस से उतरते ही निकट के बिजली के खंभे का सहारा लेते हुए स्वयं से फुसफुसाए, हे भगवान, मैंने 1 रुपये के लिए अपना ज़मीर ही बेच दिया था। इसीलिए सतर्क रहें, हमारा मन खेल खेलता है, सावधान रहें, अपने विचारों पर ध्यान दें, वे शब्द बनते हैं, अपने शब्दों पर ध्यान दें, वे कर्म बनते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान दें, वे आदतें बनते हैं, अपनी आदतों पर ध्यान दें क्योंकि वे चरित्र बनते हैं, अपने चरित्र पर ध्यान दें, वह किस्मत बनता है। जब भी हमारा मन प्रतिकूल या गलत विचारों की ओर जाता है, हमें उस पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। गलत काम करने के बाद हमारा अपराध हमें शांति से नहीं रहने देगा। साईं राम।